हम लोग उस मुकाम पर बिलाखिर पहुंच चुके हैं जहां पर ये डंपर, और आप बात कर रहे थे कुछ कंटेनर्स की भी कि डूबे हुए हैं और उनको निकाला ही नहीं गया, किसी की जानिब से इस तरह के इंतजाम ही नहीं किए गए कि उसको निकाल लिया जाए। अगर कैमरामैन दिखाए तो आप देख सकते हैं ये डंपर है और दो डंपर यहाँ पर मौजूद हैं सर, एक क्रेन भी यहाँ पर मौजूद है, वो भी आपको दिखाएंगे अगर कैमरामैन इस तरफ करे तो। ये देखें ज़रा, एक क्रेन भी यहाँ पर मौजूद है सर, जो इसको चला रहे होते हैं वो इनके अंदर ही मौजूद होते हैं, उनको किस तरह से रेस्क्यू किया जाता है? देखें, जैसे पानी का मकसद हाई अलर्ट जारी हुआ तो ये अचानक इंडिया ने पानी छोड़ा है तो आदमी जो थे यहाँ से बाहर निकाल लिए गए थे, लेकिन ये गाड़ियाँ ही मकसद के इनके वजन है ज़ाहर है। ये देखें ना, अभी ये कम से कम यहाँ पर तो आदमी भी जाएगा तो डूब जाएगा, कितना पानी है। लेकिन ये जो मकसद के ये डैम्पर है, इसका कोई हाइट होती है तो, लेकिन ये कम से कम 20-22 फुट पानी यहाँ पे ये पड़े हुए हैं, फुट पानी तो यहाँ पे ट्रालियाँ पड़ी हुई हैं, ये थोड़ा इस तरफ हो जाए आगे, ये नीचे ट्रालियाँ, बिल्कुल यहाँ पे नीचे ट्रालियाँ भी दफन है। आपने मुझे 22 फुट पानी का सुना के मुझे तो खुद एक कपकपी सी तारी हो गई है कि कहीं खुदा ना खास्ता मैं भी यहीं पर डूब जाऊँ। अच्छा सर, वैसे तो अमदा हमेशा ही अलर्ट रहा है आपका, आप खुद फील्ड में मौजूद हैं, अभी भी हमारे साथ ही मौजूद है, अपना वक्त दे रहे हैं हमें। सर मुझे ये बताएं, इंसानों को निकालने के लिए तो इकदाम किए जा रहे हैं, इंतजाम किए जा रहे हैं, मशीनरीज इतनी एक्सपेंसिव मशीनरीज होती हैं, इनको निकालने के लिए कोई काम नहीं किया जाता? देखें ये मशीनरी, आप यहाँ से दरिया का पेट देखें कि कितना चौड़ा और कितना खुला पेट है यहाँ पे, ठीक है, पीछे भी देखें अगर यहाँ पे अभी कोई भी गाड़ी आएंगी ना फंस जाएंगी, जैसे ये पानी अभी डाउन होगा यहाँ, अगर पानी पीछे से आया ये तो बिल्कुल मकसद के बह जाएंगे, यहाँ से चले जाएंगे, तो अगर नहीं गए तो फिर इन्हें जाहिर जो इनके मालिक इनको निकालेंगे तो ठीक है ना, मालिक निकालेंगे तो मालिक ही निकालेंगे, लेकिन वो हमें भी अगर दोबारा हमारे ऑर्डर करवाते हैं अगर लाहौर डीसी साहब से तो जाहिर हमें भी आना पड़ता है, हम इनको टोचन डालते हैं। सर इतनी महंगी मशीनरी होती है ये और मालिक ऐसे छोड़ के चले जाते हैं, उनकी जानिब से अपील नहीं की जाती? मालिकों के पास करोड़ों रुपए हैं, मालिकों को क्या लोड है इस चीज़ की, ये तो हमने तो वो मजदूर निकाले जो इनके ऊपर काम करते हैं, तो मालिक तो करोड़ों रुपए के मालिक हैं, उनको क्या चीज़ है, वो नहीं ले लेंगे और ले लेंगे। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है, इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, एक डंपर चला जाए दो डंपर चले जाए, करोड़ों के मालिक है, चाहे जितने भी मर्जी चले जाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और ये भी अपील नहीं की जाती कि इसको निकाल लिया जाए, लेकिन इसके अंदर जो शख्स मौजूद होता है उसको तो रेस्क्यू कर लिया जाता है। हाँ जी ज़ाहिर, उसे तो फौरी उसे फौरी रेस्क्यू कर दें। नाज़रीन, डंपर की क्या सूरत हाल थी हमने आपको दिखाई है, अभी एक ट्रेन भी यहाँ वहाँ पर मौजूद है, वो भी आपको दिखाते हैं, ट्रेन मौजूद है वहाँ पर सर, उसके अंदर जब कोई शख्स मौजूद था आपने उसको रेस्क्यू कर लिया बाकायदा? सर उस शख्स की जानिब से शिकवा नहीं किया गया कि मुझे तो निकाल लिया गया, इस ट्रेन को भी निकालने किसी तरह? पानी की स्पीड इतनी तेज़ थी, सिर्फ वो ही निकल सका। देखे जाने जो है ना वो लाजमी कीमती हैं, जाने बचाने चाहिए, मशीनरियाँ जो हैं मशीनरी तो फिर भी मिल जाती है, जान दोबारा नहीं मिलती है। जान तो बिल्कुल दोबारा नहीं मिलती, लेकिन करोड़ों का नुकसान हो जाता है। सर ठीक है, आपने मुझे इस हवाले से तो क्लियर कर दिया, मुझे ये बताइएगा अभी हम दरिया रावी में कहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर पानी का जो बहाव है वो कितना देख रहे हैं, कितना जो गहरा पानी है यहाँ पर? यहाँ पर 20-22 फुट पानी है यहाँ पर, तो मकसद का दरिया तो वो पड़ी तरफ देख रहे हैं, वो पड़ी तरफ पानी गहरा है, तो इस तरफ आगे चले जाएं, यहाँ भी दरिया इस तरफ भी, तो वहाँ भी ये मोटरवे सियालकोट के पास बिल्कुल हम यहाँ पे मौजूद हैं, दरिया सियालकोट के पास। जी मोटरवे सियालकोट के पास हम मौजूद हैं, हम लोग मोटरवे सियालकोट के पास मौजूद हैं, और मैं सबसे ज़्यादा शौक इस बात पर हो रही हूँ कि कभी हम लोग कुछ देर पहले हम लोग शाहदरा पिंड में मौजूद थे, अगर बात की जाए लेफ्ट साइड की तो रिंग रोड था, इसी तरह वन बाई वन एक मुकाम आ रहा है, मैं तो ये सोच रही हूँ गाड़ी में सफ़र करना ही छोड़ दूँ, मैं एक कश्ती में बैठूं और जहां मुझे जाना हो वहां मैं आ जाऊं। सर क्या कहेंगे आप इस मुताबिक? देखिए कई मरतबा ऐसा होता है कि लोग हमें गाड़ियों में बिठा के ले जाते हैं, डेड बॉडी कहां पे मकसद के फलाने वो बताते हैं, फलानी जगह पे डेड बॉडी है मकसद के, ये ऊपर ले जाते हैं, काफ़ी ऊपर चले जाते हैं मकसद, वहाँ से वो जब उनको डेड बॉडी मिल जाती है हमें कोई नहीं पूछता कि अभी आपने वापस किस चीज़ पर जाना है, वो वहीं छोड़ देते हैं, तो हमारा तो यही काम है पानी में छलांग लगाते हैं और फिर अपनी जानिब सफ़र की तरफ चल चलिए। बात कर रही थी कि अगर मुझे कहीं जाना हो तो मैं इसमें बैठूं? सबसे पहले तो आप बिल्कुल यही इस हवाले से ज़रा लोगों को अलर्ट कर देंगे, जो लोग समझते हैं कि गाड़ी में नहीं चलो इसी में बैठ के हम लोग अपने मुकाम पे चले जाएं। देखिए मुकाम पे ये तो जो लोग मकसद के जिनके साथ मकसद को जो गाँव में फंसे होते हैं ये उनसे पूछना चाहिए कि आपकी क्या हालात हैं, जैसे उनके बच्चे डूब रहे होते हैं वो खुद डूब रहे होते हैं, ये तो बोटें इसलिए हैं कि सिर्फ उन लोगों को बचाने के लिए हैं, अगर पानी में अगर सफ़र करना हो तो वो बोटें मौसम बोट भी अपनी होनी चाहिए, प्राइवेट बोट होनी चाहिए, और दूसरे नंबर पे कम से कम आपको कोई 10 साल ट्रेनिंग लेनी चाहिए कि आपको 10 साल की आपको ट्रेनिंग लेनी चाहिए, 10 साल के बाद आप ट्रेन होंगे आपको पता चल जाएगा कि मैं इसी तरह जा सकती हूँ या नहीं, जा सकती हूँ या नहीं, क्योंकि मैं भी खुद ही अभी मैं भी यही समझ रही थी कि गाड़ी के बिना
यानी मैं कश्ती में बैठूं, जहां मुझे जाना हो मैं वहां बैठ के चले जाऊं। लेकिन इन्होंने ये क्लियर कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता, हम गाड़ी में ही बैठे तो महफूज हैं सफ़र करने के लिए, कश्ती में बैठना तो सिर्फ एक लुत्फ़ उठाने के लिए। अगर आपने पानी के बहाव को चेक करना है, आपने नज़ारा लेना है, तो आप कश्ती में ज़रूर बैठे। इस मुतालिक तो सर की जानिब से बाकायदा एक मैसेज भी दे दिया गया है कि कश्ती को जो है ना वो अपने सफ़र का ज़रिया आपने बिल्कुल नहीं बनाना। मैसेज तो सामने आ चुका है कि कश्ती में बैठना जो है ना सफ़र के लिए भी आसानी है, और कुछ लोग ये भी समझते हैं कि कश्ती में बैठ तो गए हैं और इसको चलाना बड़ा आसान काम है, अगर कहीं ना कहीं हम फंस जाते हैं तो सर उसके लिए हल क्या होगा। और लोगों को ये भी क्लियर कर देंगे कि कश्ती चलाना या इसको जो लीड करना तो वो कोई आसान काम नहीं है। बोट ऑपरेटिंग इतना आसान नहीं होता, बोट ऑपरेटर होता है सबसे पहले तो उसे पानी को समझना होता है कि पानी कहाँ पर पानी ज़्यादा है, कहाँ पर पानी कम है। अगर बोट ऑपरेटर ये चीज़ समझता है तो वो बोट ऑपरेटर है। अगर उसको इतना नहीं पता है कि मकसद कि यहाँ पे पानी छोटा है या गहरा है, अगर वो स्पीड से पीछे से आ रहा है को ज़ाहिर, अगर वो स्पीड से अगर छोटे पानी में उसका इंजन लगेगा वो लगेगा, जो आदमी बोट के अंदर होगा वो सारे ऐसे उड़ेंगे जैसे जहाज़ उड़ रहा है। लेकिन यही मसला है कि मैं इसीलिए ये लीड साथ बैठा हूँ, इसीलिए ये लीड कर रहा हूँ कि यहाँ पे पानी छोटा है, यहाँ पे गहरा है, यहाँ पे इतना पानी है, यहाँ पे इतना पानी है। ये अभी आप मेरे साथ आए हैं, ये मेरे बहाव ये बता रहे हैं, एक बार आपसे आपको फिर से दिखा देंगे। ट्रेन वहाँ पर मौजूद है और सर इसको कितना अर्सा हो गया तकरीबन ये यहाँ पर मौजूद है? इसको मेरा ख्याल हो गया क्योंकि आठ दिन हो गए इसको। आठ दिन हो गए, अभी अभी की बात है? हाँ जी, अभी की बात है, आठ दिन हो गए। अभी ये डैम्पर है ये जो है, आठ दिन हो गए। किस मकसद के लिए यहाँ पर इसको बेचा गया था? ये यहाँ पे मिट्टी निकालते हैं या मकसद रेत निकालते हैं डैम्परों के ऊपर, रेत मकसद के ये शहर में बिकती है, रेत डालते हैं लोग, रेत शहर में बिकती है और अपना बिजनेस जो है ना उसको हाईलाइट करने के लिए मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है और मशीनरी यहाँ पर फंस जाती है। सर जो रेत निकाली जाती है वो भी वेस्ट हो जाती है, ये साथ लेके चले जाते हैं मकसद। अगर जो रेत इन्होंने मकसद के वो तो वेस्ट जो फंस गया उसको वो तो ज़ाया हो जाएगी, अगर जो लेके निकल गया वो तो ज़ाहिर है निकल के बाहर ही जाएगा, वो तो बिक जाएगी जाते ही, उनकी गाड़ी भी महफूज होगी। तो जो पानी में फंस गए अभी ये मकसद, इन्हें इस चीज़ का कोई एहसास नहीं, जो ये मकसद होते हैं इस चीज़ का कोई एहसास नहीं। इनके करोड़ों के ठेके, मैंने पहले भी बताया इनके करोड़ों के ठेके हैं, तो ये इसी तरह करते करोड़ों के ठेके हैं। मकसद कोई ऐसा मसला नहीं, इन्हें कोई भी परवाह नहीं, अगर परवाह होती तो ज़ाहिर ये परवाह नहीं, अगर परवाह होती तो इस तरह की गफलत का मुजाहिरा ना करें। सर इससे पहले भी मैंने ये सवाल उठाया था, ये मुद्दा उठाया था गोताखोर के हवाले से, और आपने बताया था कि इनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी, लेकिन हम अपने मुकाम पर पहुँच चुके थे और वहाँ की सूरत हाल का जायज़ा ले रहे थे। मुझे एक बार फिर से बता दीजिएगा कि जो गोताखोर हैं एमरजेंसी की सूरत में कोई ना कोई डूब जाए, सैलाब का खदशा तो जाहिर किया गया, सैलाब आ जाए तो किस तरह से इनको ट्रेनिंग दी गई है, और अभी मुझे कुछ ये कर्तव्य दिखा दे तो मैं भी देख सकूं, ताकि लोगों को भी पता चल सके कि किस तरह से इंसानी जो जाने वो बचाई जा सकती है। सबसे पहले अगर तो मैं इंचार्ज हूँ यहाँ पे गोताखोरों का, तो ये मैं ही आपको दिखा दूँगा कि मकसद के ये देख लें गोताखोरों को क्या इमारत हासिल है और गोताखोर क्या कर सकते हैं पानी के अंदर, ये तो मैं ही आपको करके दिखा दूँगा। सर अगर मैं रिक्वेस्ट करूँ आपसे कि ये भाई साहब जो गोताखोर यहाँ पर मौजूद हैं ये सर प्लीज़ सर हम भी देखना चाहते हैं कि किस तरह सैलाब की सूरत में या इमरजेंसी की सूरत में इस तरह की जो सिचुएशन पैदा हो जाती है और लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं होती कि वो कश्ती से निकलकर कहीं ना कहीं जो है ना वो रुक पाएँ और बाहर निकल के अपने आप को बचा सकें, तो उसके लिए ये फैसिलिटी मुतारिफ करवाई जाती है गोताखोर की, इनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती है और उसका हम भी हम आपको अमली मुजाहरा भी बाकायदा तौर पर दिखाएंगे। सर प्लीज़। नाज़रीन अभी आपने देखा है कि जो सिविल डिफेंस के जो इंचार्ज है वो खुद ही अमली मुजाहरा कर रहे हैं इस चीज़ का और बता रहे हैं कि किस तरह से इमरजेंसी की सूरत हाल जो पैदा हो सकती है उससे बचा जा सकता है, अगर खुदा न खास्ता कोई शख्स डूब जाए तो उसको किस तरह से बचाया जा सकता है। बाकायदा इनकी जानिब से एक टीम भी मुकर्रर की गई है, एक टीम बनाई गई है जिसको ये ट्रेनिंग भी देते हैं। नाज़रीन आप देख सकते हैं जो इंचार्ज है वो खुद ही बताते गए हैं और अपनी जिम्मेदारी जो है वो बता रहे हैं कि वो कितने एक्टिव होते हैं इस काम के हवाले से, अगर इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाए तो किस तरह से बचा जा सकता है। सर आपने बेहतरीन मुजाहिरा हमें दिखाया है, लोगों को बताया है और बाकायदा आपकी जानिब से भी ट्रेनिंग दी जा रही होती है कि किस तरह से इमरजेंसी की सूरत हाल में सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सकता है, लोगों को बचाया जा सकता है।